आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक चुनाव के दौरान एक जगह नहीं कई जगह हिंसा हुई और हिंसा इतनी खतरनाक थी कि बम फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में खुल करके देखने को मिली। और इस गुंडागर्दी पर ऐसे पर्दा डाला जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे याद आता है बंगाल चुनाव का वो दौर जब छोटी सी हिंसा को राई का पहाड़ बना करके पेश किया जा रहा था और ममता सरकार को कोसने का काम किया जा रहा था, तब जाकर के गोदी मीडिया राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात कह रहा था, तब जाकर के गोदी मीडिया यह कह रहा था कि ममता जो हैं देश के लिए खतरा हैं। पर आज उत्तर प्रदेश से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसे एक एक कर आपके सामने रखूंगा और यह तस्वीरें वाकई डराने वाली हैं, जिसमें महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है, किस तरीके से गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, जहां पर बम भी बरसाए जा रहे हैं, गोलियां भी चलाई जा रही हैं, लोगों को जमकर के कूटा जा रहा है। ये तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं। कहा तो यह जाता है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, पर इन तस्वीरों को देखने के बाद आप खुल करके कहेंगे कि यह योगी राज नहीं है, यह उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में गुंडा राज चल रहा है। और यह गुंडा राज कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, वहां का सरकारी अधिकारी मिलकर के इस गुंडा राज को चला रहा है। पहली तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूं, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से गोलियां चलने की आवाज आ रही है, बम बरसाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया जा रहा है। ये वीडियो जिसके भी सामने आया वो हर कोई उत्तर प्रदेश में चल रहे इस गुंडा राज के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। और सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार जो प्रशासन ये दावे करता था कि वो पूरी तरीके से अपराधियों को खत्म कर रहा है, अपराध को खत्म कर रहा है, ये कैसे अपराधियों को और अपराध को खत्म किया गया है, जहां इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी महज एक ब्लॉक चुनाव के लिए, जहां एक एक कर 12 जिलों में हिंसा फैल जाती है और हिंसा इतनी खतरनाक होती है कि जिसकी तस्वीरों पर बात की जानी चाहिए वहां गोदी मीडिया खामोश बैठ जाता है। यहां सोशल मीडिया पर जम करके योगी सरकार की धज्जियां उड़ रही हैं। और धज्जियां, अब जो अगला वीडियो आपके सामने रखने जा रहा हूं, पहले उस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने महाभारत में चीरहरण होते हुए देखा होगा, ये योगी राज का वो चेहरा है जहां पर पुलिस वाले खुद एक महिला का चीरहरण कर रहे हैं, उसकी साड़ी खींच रहे हैं, उसको किस तरीके से बेइज्जती की जा रही है, जिसकी तस्वीर सामने आई है। और इन तस्वीरों के ऊपर ना तो भारतीय जनता पार्टी की वो बिलबिलाती हुई जो तेज तर्रार नेत्रियां थी, खासतौर पर स्मृति ईरानी जी और तमाम जो भी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं, वो खामोश बैठी हुई हैं। यहां एक महिला का अपमान हुआ है तो महिला के लिए आवाज बुलंद नहीं की जा रही है। मैंने वो तस्वीर भी लोकसभा से देखी है जब आजम खान ने एक टिप्पणी कर दी थी, तो तभी सभी की सभी तेज तर्रार महिलाएं आजम खान को लेकर के तमाम तरीके की बातें कहती हुई नजर आ रही थी और समाजवादी पार्टी को कोसने का काम कर रही थी। और आज जब ये उत्तर प्रदेश से तस्वीर सामने आई है तो तमाम तेज तर्रार पत्रकार महिलाएं भी खामोश हैं, तो तेज तर्रार नेत्रियां भी खामोश हैं। आखिरकार ये चुप्पी क्यों, और इस चुप्पी पर क्यों नहीं सवाल किया खड़ा किया जा रहा कि ये चीरहरण आखिरकार क्यों हुआ, इतनी हिंसा कैसे भड़क गई? तो क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ जी प्रशासन को संभालने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो गए हैं?
ये तो दो वीडियो पर आपने नजर डाली है, पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या कारनामे किए हैं ब्लॉक चुनाव को लेकर के, उसे भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। जहां एक पत्रकार ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक का नाम शामिल किया एफआईआर में, पुलिस ने उसे भी हटा दिया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ब्लॉक चुनाव के दौरान कई जगह से हिंसा की खबरें सामने आई। कुल मिलाकर एक दर्जन से ज्यादा जगहों से हिंसा की घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। 12 जगहों से उत्तर प्रदेश में ब्लॉक चुनाव के दौरान हिंसा हुई है। छोटे से चुनाव के लिए सोचिए कि अभी विधानसभा चुनाव आने हैं और किस तरीके से खूनी रंजिशें चलेंगी और किस तरीके से खून बहाए जाएंगे। ऐसी ही एक खबर एटा से आई, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जमकर उपद्रव हुआ, लोगों ने पत्थरबाजी की। घटना में एक पत्रकार के घायल होने की जानकारी भी सामने आई। पुलिस ने बताया कि जांच की जा रही है और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल विवाद इस बात को लेकर हुआ कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग उनके प्रत्याशी को नामांकन नहीं भरने दे रहे हैं। मामले ने जल्द तूल पकड़ लिया और पत्थरबाजी शुरू हो गई। बाद में पुलिस को दखल देना पड़ा। हालांकि पुलिस ने स्थिति संभाल ली, लेकिन पथराव के बीच एक पत्रकार घायल हो गया। घायल पत्रकार ने थाने में तहरीर, जिसमें विधायक का नाम भी दिया गया। लेकिन जानकारी सामने आई है कि पुलिस ने जब एफआईआर लिखी तो उसमें विधायक का नाम नहीं था। बाद में पुलिस और दूसरे बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और माहौल शांत किया गया। और वहीं लखीमपुर खीरी से भी समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता की साड़ी खींचे जाने के मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए नामांकन भरने की है, जिस दौरान महिला के साथ अशोभनीय व्यवहार किया गया। इस घटना को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। शुक्रवार को जारी एक बयान में सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने क्षेत्र पंचायत चुनाव के लोकतंत्र के इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं का सम्मान, ब्लॉक प्रमुख चुनाव में आधी आबादी के साथ भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव घिनौना और निंदनीय है। सिद्धार्थनगर, बहराइच और कुशीनगर समेत कई जिलों में सपा अधिकारियों ने उम्मीदवारों के साथ अराजकता और अभद्रता का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नामांकन केंद्र में पहले से भाजपा के दर्जन दबंग उपस्थित होकर निष्पक्ष चुनाव को खुली चुनौती दे रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली भाजपा की जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। सरकारी मशीनरी और गुंडागर्दी के बलबूते जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख पदों पर जबरन कब्जा करना भाजपा को भारी पड़ेगा। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को कभी माफ नहीं करेगी। वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ भाजपा पर जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में धनबल और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि हिंसक घटनाओं में सपा शासन की याद ताजा करा दी है। वहीं समाजवादी पार्टी नेता मनीष जगन अग्रवाल का कहना है कि पिता की शव यात्रा में एक बीडीसी सदस्य को अगवा करने की घटना पेश आई है। नेता ने कहा कि ये अपने आप में बहुत ही शर्मनाक व मन को व्यतीत करने वाली घटना है। भाजपाई जंगल राज का तांडव इस कदर बढ़ चुका है कि मानवता जैसे शब्द अब कोई मायने नहीं रखते हैं। तो अब विपक्षी पार्टियों का हमला भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर शुरू हो चुका है। पर सवाल ये खड़ा होता है कि जिस महिला का बकायदा कैमरे में रिकॉर्ड होते हुए चीरहरण किया गया, जहां उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की पुलिस वालों ने कि देखिए हम इस तरीके के कृत्यों को भी अंजाम दे सकते हैं, क्या सिर्फ निलंबन से इस घटना की नजरअंदाजगी की जा सकती है? क्या ऐसी कड़ी सजा नहीं होनी चाहिए जिससे इन पुलिस वालों को देख करके जो अपराधी हैं वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो उनकी रूह भी कांपे? ऐसी पुलिस वालों को सजा होनी चाहिए। एक छोटे से ब्लॉक चुनाव में किस तरीके से खूनी खेल जारी है और अब लोगों में ये चिंता जाहिर होने लगी है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस तरीके से और उग्र होकर के भारतीय जनता पार्टी ऐसा तांडव करती हुई उत्तर प्रदेश में नजर आएगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।